नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरजे प्रोडक्शन में। मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत एक बार फिर से आपको लेकर आ चुका हूँ कटरा बनिहाल सेक्शन के बीच में जो बढ़ते रेलवे का पहला केवल स्ट्रेट ब्रिज बनाया जा रहा है उसके प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, आपके सामने है इंडियन रेलवे का केवल स्ट्रेट ब्रिज जो कि जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रियासी में बनाया जा रहा है। यहाँ देख लीजिए, रिसेंटली अभी जो पायलोन था इसे कंप्लीट किया गया, 31 दिसंबर 2021 को ये कंप्लीट किया गया था। उसके बाद जो लॉन्चिंग थी उसे किया जा रहा था कंटिन्यू। यहाँ देख लीजिए, आपके सामने जो फर्स्ट स्पैन से होती हुई ये सेकंड स्पैन की तरफ आ चुकी है, क्रॉसिंग कर चुकी है सेकंड स्पैन मेन स्पैन को, और ये आगे की तरफ अभी पुशिंग की जा रही है। इसके ऊपर अभी कंक्रीट भी होगी जल्द ही, और इसके जो पायलोन है इसके ऊपर 96 केबल भी लगाई जाएंगी, क्योंकि रिसेंटली अभी लगता है कि जैसे ही इसके अभी जहाँ तक ये पुशिंग हो चुकी है इसके बाद अब जो केवर्स लगाने का काम है वो स्टार्ट होने वाला है। जल्दी जैसे ही स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और सामने देख लीजिए, ये T2 टनल के पास भी अभी एक्सपैन बनना है, उसकी अभी फाउंडेशन निकाली जा रही है। जहाँ तक हमने सुना है उस फाउंडेशन की जो 20 मीटर के आसपास उसकी फाउंडेशन निकाली जा रही है, और उसके बाद उस फाउंडेशन को बनाया जाएगा। उसके बाद जब ये फाउंडेशन कम्प्लीट हो गए फिर हमें एक लेवल में वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा जो थर्ड स्पैन है अंजी खड ब्रिज का। T2 से लेकर T3 के बीच में जो लेंथ है वो है 473.25 के आसपास। और यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने इस समय दिख रहा है इंडियन रेलवे का पहला केवल स्ट्रेट ब्रिज का मेन पायलोन जिसके ऊपर जो है 96 केबल्स लगाई जाएंगी। इतना सा अपडेट था तो मैंने सोचा आपको अपडेट किया जाए। और साथ में आपको बता दूं कि जहाँ पे जितने बार भी मैं गया यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है, और ये पहाड़ियों के बीच में बिल्कुल इंडियन रेलवे का पहला केवल स्ट्रेट ब्रिज बनाया। आपके सामने देख लीजिए जो यहाँ के आसपास के पेड़ हैं किस तरह से लहरा रहे हैं क्योंकि इतनी तेज़ हवा चलती है। और आपको मैं बता दूं कि जो इस अंजी खड ब्रिज इसीलिए बोला जाता है इसको क्योंकि जो नीचे यहाँ पे छोटी रिवर अंजी जा रही है इसका नाम अंजी है, और इसी की वजह से इसे अंजी खड ब्रिज बोला जाता है। इंडियन रेलवे का यह पहला केवल स्ट्रेट ब्रिज है, और साथ साथ में इसके जो आसपास के गाँव हैं इतने ज़्यादा डेवलप हुए हैं क्योंकि जो मेन कनेक्टिविटी जो अप्रोच रोड बनाने होते हैं वो रोड बनाए गए हैं, और साथ में उसी की वजह से यहाँ से रोज़गार भी बहुत ज़्यादा मिला हुआ है जो लोकल सराउंडिंग गांव हैं अंजी खड ब्रिज के पास पास। SCC कंपनी के एक बार फिर से हम अधिकारियों और कर्मचारियों को सलूट करते हैं क्योंकि जो इतनी ठंड और इतनी हवाओं के बीच में यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो साथ वाले पहाड़ हैं इसके ऊपर अभी भी रिसेंटली स्नोफॉल हुई थी। जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।